बीएचयू में छात्रों के निलंबन मामले में आयोजित सभा में कांग्रेस व सपा के लोगों ने पहुंचकर छात्रों से वार्ता की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी में छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में 13 छात्रों के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिसर के विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव आयोजित सभा में पहुंचे। विश्वविद्यालय में आयोजित सभा को देखते हुए बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 11 माह पहले की घटना पर अब विश्वविद्यालय के 13 छात्र पर कार्रवाई की गई, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब हमने पहले ही बताया कि आईआईटी बीएचयू की घटना में आरएसएस एबीवीपी के लोगों का हाथ है, तो मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जितने लोग भी पढ़ और पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है कि विश्वविद्यालय में गलत फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से नहीं आया हूं, यहीं काशी की मिट्टी से जुड़ा रहा हूं और इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय कोई बोलता था तो उसको बोलने नहीं दिया जाता था, वही इस समय हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था कि देश के बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाया जा सकता है, सरकार मनमाना काम कर रही है। आज हम सब लोग ये बीएचयू कैंपस में विश्वनाथ जी के मंदिर में एकत्रित हुए हैं और मैं स्वयं हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हमारे लाल बिहारी जी हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस सभी लोग एकत्रित इंडिया गठबंधन, जो ये निहागे बच्चों को जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ, जो गैंग रेक आईटी की बिटिया गैंग रेक के खिलाफ जिन्होंने आवाज को बुलंद किया, उन 13 बच्चों को यहां से उनको सस्पेंड किया गया है। और 11 महीने बाद करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये दुर्भावना से ग्रसित निर्णय है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और बच्चों का भविष्य का प्रश्न है। ये मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, निश्चित तौर से इन लोग को सस्पेंड करना ये गलत है। और लगातार बीएचयू के अंदर अत्याचार अन्याय की चीजें हो रही हैं और जो रेपिस्ट है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी अध्यक्ष है, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया, पर इन बच्चों की जो आवाज उठाई, जो बुलंद की, जो विपक्ष के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो बात उठाई, उस सब आवाज मुझे लगता है कि उससे इन उस समय जो बात उठी उस पर थोड़ी कार्रवाई हुई, जेल भेजा गया, तो कोई कार्रवाई नहीं करते उसे घूम रहे थे, उसके बाद इन बच्चों पर कार्रवाई कर रहा, मेरे स्वयं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया लंका थाने में। आप सोचिए, जो मैंने बोला था कि ये विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जुड़े लोग हैं, मेरे पर मुकदमा कर दिया गया। तो ये बोलना गुना है, सही गलत चीजों को उठाते रहेंगे और रेपिस्ट को आपने छोड़कर उनका स्वागत अभिनंदन यहाँ के लोग कर रहे हैं, उनको गुलाब का फूल बरसाया जा रहा है, वो चले जेल छोड़कर घर चले गए दो लोग। और जिन बच्चों ने ये अत्याचार अन्याय के खिलाफ, उन रेपिस्टों के खिलाफ जो बात उठाई, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसकी निंदा करते हैं, भर्सना करते हैं, इसको तत्काल वापस लिया जाए और कल के प्रोटेस्ट में पूरी की ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के हमारे नेता सब लोग कल इनके साथ खड़े रहेंगे। छात्र और छात्राएं जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया, उसको प्रशासन इसलिए जो है सस्पेंड कर रहा है कि भविष्य में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके। ऐसा इनको क्रेश कर दो, ऐसा इनको दबा दो कि यहाँ पर जो भी अन्याय अत्याचार हो उसके खिलाफ कोई बोल न सके। यह व्यवस्था यहाँ के प्रशासन की है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बच्चे राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, बच्चे जो है अब पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य संवारने के लिए आए हैं। हम यहाँ बीएचयू के प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं, उन बच्चों को विद्यालयों में वापस कर लें और उनको पढ़ने का अवसर दें ताकि उनका भविष्य खराब न हो। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो इंडिया गठबंधन के सभी हमारे साथी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, विभिन्न दलों के हो, सभी लोग इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो है संघर्ष करने के लिए खड़ा होंगे।